स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। हेलो, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एकदम मॉर्निंग का सुबह हो रहा है, नहीं मतलब मॉर्निंग वाला टाइम हो रहा है। और मैंने अरम्या के लिए बनाए हैं पराठे और आलू परवल की सब्ज़ी। और उसके बाद मैं यहाँ पर जग जाती हूँ 4 बजे, लेकिन रम्या की स्कूल वैन जो है वो 5 बजे आती है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि इतनी जल्दी क्यों आती है। मैं रीज़न आप लोगों को बता दूँ इसलिए जल्दी, क्योंकि स्कूल जो है वो बहुत दूर है, मतलब 20 किलोमीटर पड़ जाता है, तो जाने में वहाँ पे टाइम लगता है, सारे बच्चों को लेना और फिर वहाँ पे उतारना, तो थोड़ा पहले तो निकलना ही पड़ता है, इसलिए इतनी जल्दी होती है। और ये ज़िद करने लगती है कि नहीं आप मुझे खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, वरना मैं नहीं वो करूँगी, ऐसे करके वो बहुत परेशान मेरे को करती है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अरम्या को नाश्ता करा रही हूँ और बस ये तैयार हो चुकी है, बस उसके बाद ये निकलेगी। कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अनु स्कूल चली गई है और उसके बाद आज जो भी मतलब रीज़न रहा हो, मैं सोची थी कि मैं ये काम करूँ, मुझे गेहूं धोना था और मैंने इनको चाय दिया तो इन्होंने मना कर दिया, बोला कि मैं थोड़ी देर बाद लूँगा, मुझे जगा देना। उसके चक्कर में लेटी और मैं थोड़ी देर के लिए झपकी ले लिया मैंने। और उसके बाद उठने के बाद मैंने किचन की मतलब जो क्लीनिंग होती है वो सारा चीज़ किया है। और वो जो मैंने दाल वाला डाला था ना, वो 6-7 दिन मतलब 6 दिन तो हो गए होंगे, बीच में ये सब हो गया, तो उसको मैंने पलटा ही नहीं है, मतलब उसको कपड़े से हटाया ही नहीं है, क्योंकि उन सब चीज़ों में दिमाग नहीं था, बस उसको मैं कैसे भी धूप में डाल देती थी। तो मैं जा रही हूँ उसको हटाने। और आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर वो बड़ी कोहड़ौरी अदौरी, मेरी आजी आलू की अदौरी डालती थी, नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बनाने आ जाएगी और बहुत अच्छी बनी है। तो मैं उसको जा रही हूँ ना, उसको छुटा देती हूँ कपड़े से। कहाँ बने, कहाँ बाण। उसके बाद ये वाली जो बड़ी है ना, इनको आप मैंने बहुत कई दिनों से मैंने छोड़ रखा था, जबकि इनको 2 दिन में, ये 1 दिन में सूख जाते हैं, तो इनको मतलब ऐसे पलट देना चाहिए था, बट यहाँ पे मेरे से नहीं हो पाया। और आप में से बहुत बहुत से लोगों के एक कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि दी क्या आप प्रेग्नेंट हैं। मैंने यही वाली टी शर्ट पहन के कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी, तो आपका पेट साफ समझ में आ रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आप बता नहीं रही हैं, सो प्लीज़ हमें बताइए, हमको खुशी होगी, हम चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता दूं। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग चाहते हैं कि मैं ये बात आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि दिल से मैं भी चाहती हूं कि मेरी बेटी अकेली ना रहे और उसका भाई या फिर वो बहन। और हम प्लान भी काफ़ी टाइम से लगभग 1 सालों से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दुआ करिए कि माता रानी हमारी भी सुन लें। ऐसा नहीं है कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी भी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए ताकि मैं अरम्या को एक भाई या फिर एक बहन उसके साथ ज़िंदगी में हमेशा हो, जैसे मेरे पास मेरी बहनें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखिए इस वाले टी शर्ट पे भी मेरा पेट आपको, तो मैं इतना ज़्यादा मोटी हो गई हूँ कि वो मेरा पेट आपको प्रेग्नेंट की तरह लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरा वज़न इन दिनों काफ़ी बढ़ा है, कम से कम 12 से 15 किलो तक वज़न मेरा 1 सालों के अंदर बढ़ा है। और अब तो मेरे पेटों पे बहुत ज़्यादा चर्बी सी हो गई है। हालांकि मैं अपना डाइट
कंट्रोल कर रही हूँ और मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन माता रानी आप लोगों के मुंह में घी शक्कर दे और ये वाली बातें मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और उसके बाद यहाँ पे ना पौधे काफ़ी टाइम से रखे ना, पूरा इनके नीचे गर्मी का टाइम है, धूल धूप इतना चल रहा है तो पूरा मतलब धूल मिट्टी भरा पड़ा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ऐसे कर देती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चा, घर, हस्बैंड, YouTube, Instagram ये सब चीज़ें करने के चक्कर में। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो मैं यहाँ से हटा ही दूँगी सारी चीज़ें, मैं यहाँ से साफ़ सफाई कर दूँगी। ये देखिए अब मैंने इनको ऐसे लगा दिया है, थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पे चेंज किया, कितना अच्छा लगने लगा, भी सारा झाड़ू उड़ू लगा के इनको सही कर दिया है। तो हफ्ते में तो एक बार इनको बदलना ही चाहिए, करना चाहिए, इनको पानी वानी देना है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ काम है, हो गया। मैं किचन में चलती हूँ। मैंने ना वो जो काली वाली होती है ना मूंग, जो हरी वाली मूंग की दाल होती है जिसमें छिलके वाली होती है, वो मैंने भिगोया है और उसका मैं चीला बनाऊंगी। थोड़ा सा इनको भी चेंज हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा लगेगा, और वैसे कोई दिक्कत नहीं इनको खाने पीने में तो, लेकिन वो स्वास्थ्य वर्धक होता है, अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो मैं जा रही हूँ चीला बनाने के लिए, तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी और उसके बाद फटाक से नहा धो के अपने पूजा पाठ जो भी काम होते हैं मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ कि जल्दी जल्दी से हो जाए। और आजकल मैं थोड़ा सा फिर इनके पास बैठूँगी, फिर इनसे थोड़ा देर बात करूँगी, और अब मैं आ जाएगी तो दोपहर में थोड़ी देर हम लोग सो जाएंगे। ऐसा करके अभी थोड़ा काम चल रहा है, अभी इंस्टा पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, कोई वहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन होता है तो मैं दोपहर में ही करती हूँ। बहुत धूप होती है, बहुत बारी, तो फिर भी करना पड़ता है क्योंकि काम ये एक जॉब है हमारा, ये जॉब इसको कह सकते हैं, क्योंकि
ये 4-5 घंटे दे रहे हो आप किसी चीज़ को, तो ये एक जॉब ही हुआ। मतलब मैं यूट्यूब को छोड़ने के बाद की बात कर रही हूँ, ये इंस्टाग्राम पे कितने अच्छे लग रहे हैं ना पाम अभी ना, ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं, नज़र ना लगे इनको, बहुत अच्छे हो गए हैं, मतलब एकदम हरे हरे एकदम अच्छे हो गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना बैठी है ना, यहाँ पे इतनी, ये गलियारा में इतनी अच्छी हवा आती है, एकदम ठंडा रहता है, एकदम अंडरग्राउंड, ऊपर छत है तो बिल्कुल धूप नहीं लगती है। और यहाँ पे आप चाय पीजिए, शाम को बैठिए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी।